इलेवेंथ फिजिक्स चैप्टर फाइव एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल 5.3 इलेवेंथ फिजिक्स। द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम इज डिस्क्राइब बाय वाई इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। And mass of particle, the mass of particle m is equals to what? Mass of particle, mass is m. तो आपको फोर्स चाहिए, आप फोर्स आपको चाहिए। पहले ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और उस मास एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ जाएगी। जल्दी से करके दिखाइए। y इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी डी वी बाई डी टी नहीं होगा, ये डी वाई बाई डी टी होगा, डी वाई बाई डी टी। तो u प्लस हाफ जी टी, हाँ सीधे सीधे इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके रख दिया, ठीक है ये भी। अब वेलोसिटी आ गई u प्लस जी टी, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया टाइम से, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ क्योंकि टाइम है नहीं, तो u का डिफरेंशिएशन जीरो बन गया और gt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स g और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल्स टू mg आ गया। ये तो पलक का आंसर है ना। और इससे पहले अच्छा एलिस का भी आंसर आया, एलिस का आंसर देखते हैं। एलिस का आंसर y इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। मास इक्वल्स एम, फोर्स फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग वाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। डी वाई बाई डी टी इक्वल्स यू प्लस जी टी आ गया, ओके। तो ये बन गया वी, वी इक्वल्स यू प्लस जी टी, डिफरेंशिएटिंग फर्दर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वाई डी वी बाई टी इक्वल्स बचा डी वी बाई डी टी बचा आपका जी, और ये एक्सेलरेशन है, तो हैंस ए इक्वल्स जी हो गया। Therefore, F is equals to ma, तो फोर्स एम जी आ गई। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है ये भी। और प्रखर का सबसे पहले मिला था, प्रखर का देखते हैं। यहाँ देखिए y equals ut plus half gt, differentiating with respect to time, तो dy by dt is equals to velocity, velocity को differentiate, ये differentiate किया पूरा, इन्होंने ठीक किया हुआ। देखो प्रखर ने फिर भी ठीक किया है, सबसे ठीक इन्हीं का आंसर है। ये डिफरेंशिएशन के सारे स्टेप्स शो कर दिए, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन के सारे स्टेप्स शो कर दिए, u प्लस dt आ गया आंसर। उसके बाद dv by dt एक्सेलेरेशन होगा, तो फिर से डिफरेंशिएशन के स्टेप शो किए हैं और आपका g निकल कर आएगा, फोर्स इज इक्वल टू m होता है, mg, mg फोर्स आ गई। तो ये थोड़ा बेटर वे है कि आप डिफरेंशिएशन शो करें, इसमें डिफरेंशिएशन शो कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये इन्होंने पलक ने और एलिस ने भेजा है, इसमें जो एक्चुअली तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन के स्टेप शो नहीं किए हैं, सीधा डिफरेंशिएशन का आंसर लिख दिया है, यहाँ डिफरेंशिएशन और सीधा ही आंसर आ गया। फिर आगे भी ऐसे यहाँ डिफरेंशिएट, सीधा सीधा आंसर आ गया। नहीं, ये पलक जो है ये अभी बढ़िया वाला आंसर नहीं है, मतलब ये आंसर तो है ही आपका, और ये आंसर करेक्ट भी है, आंसर ठीक भी है। एलिस ने भी ऐसी करा कि फटाफट अपना ये लिख दिया, तो आंसर ये ठीक है अभी, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना ओरिजिनल कंपनी वाला आंसर, बेहतरीन वाला, शानदार वाला आंसर, टिकाऊ वाला आंसर, 7 ईयर वारंटी वाला आंसर, वारंटी वाला नहीं रिप्लेसमेंट वाला आंसर, जिस चीज को जिसे दुकानदार कहता है भाई साहब ले जाओ आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर लो, जिस दिन खराब हो जाए मेरे पास ले आना, तुरंत दूसरा दे दूंगा आपको, एक मिनट ये नहीं कहना अगर ये खराब हो गया कल आ जाना, बिल्कुल गारंटी है इसकी। तो वो जो गारंटी वाले ओरिजिनल कंपनी वाले सामान होते हैं ना, ओरिजिनल कंपनी वाला आंसर नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इन चीजों को, ताकि आप आंसर बढ़िया अपना दे पाए, फालतू भी ना और आंसर आप अच्छा भी दे पाए। चलिए ये तो क्लियर हुआ, लेस देन 1 मिनट है, तो मैं दूसरा आपको लिंक दे रहा हूँ अभी।